सीज फायर के उल्लंघन पर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, वहीं एलओसी पर बड़ी तादाद में आतंकी घुसपैठ को तैयार है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान एलओसी से सटे गांव पर भारी गोलीबारी कर रहा है। इस मामले में सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि पाकिस्तान बौखलाहट में मासूम नागरिकों पर गोलीबारी कर रहा है। तो ये हो रहा है कि जब उसको तकलीफ हो रही है तो वो इधर तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इधर वो तकलीफ सिविलियन को पहुंचाता है। हम तो सिविलियन को तकलीफ नहीं पहुंचाते, हम तो चाहते हैं भाई जो होना है सही तरीके से कार्रवाई हो। क्यों सिविलियन को तकलीफ आनी चाहिए? हमारा तो मकसद ये है कि सिविलियन को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। असल में पाकिस्तान की गोलीबारी का मकसद आतंकियों की कश्मीर में घुसपैठ कराना है। सेना को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में आतंकी लॉन्च पैड से एलओसी पार करने की फिराक में है। आतंकी 30 से 40 के गिरोह में है। इस साल कम बर्फ गिरी है, इसका फायदा उठाकर आतंकी लॉन्च पैड से घुसपैठ करना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की एक वजह आतंकियों को घुसपैठ कराना भी है। इस बीच भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इम्तिहान में पीओके को लेकर प्रश्न पर विवाद खड़ा हो गया। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने रविवार को पटवारी पद के लिए इम्तिहान दिया। इसमें पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर बताया गया। बोर्ड के एक्सपर्ट पैनल के सदस्यों ने पेपर को सेट किया था। शिकायत मिलने के बाद प्रश्न को रद्द कर दिया गया। अब 120 सवालों की बजाय 119 सवालों को ही गिना जाएगा। हमने उस क्वेश्चन को नलीफाई किया है फॉर बीइंग रॉन्गली फ्रेम्ड एंड यूजिंग अ रॉन्ग लैंग्वेज, और हमने उस एक्सपर्ट से एक्सप्लेनेशन मांगी है कि बताओ आप पे पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम उनको पे करते हैं तो उनको भी पिनलाइज किया जाएगा और क्वेश्चन को एक्सपंज किया जाएगा। बीजेपी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए कि ये कहीं कुछ साजिश तो नहीं है, और अगर इसमें साजिश है तो सजा मिलनी चाहिए, आदमी को पकड़ना चाहिए, और उसके ऊपर जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। बोर्ड ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।